सो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को अपकमिंग कुछ इवेंट जैसे कि जॉम्बी समुराई बंडल कब आएगा, ओकर MP40 कब आने वाला है और आर्टिक ब्लू बंडल कब आएगा, इनके बारे में भी आप लोग को अपडेट मिलने वाला है। साथ में गाइस आप लोग को अपकमिंग कुछ और भी अपडेट जैसे कि एडवांस सर्वर कब आएगा, इनके बारे में अपडेट मिलने वाला है। सो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को जरूर लाइक कर देना। तो चलिए गाइस आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गाइस यहां पे जो पहला अपडेट होने वाला है वो का पैराडॉक्स इवेंट स्पेशल एक ऐसा अपडेट को लेकर। तो जी हां गाइस, यहां पे पैराडॉक्स इवेंट स्पेशल इन गेम एक बहुत ही बड़ा चेंज आने वाला है। अभी वो अपडेट क्या आने वाला है गाइस वो जानने से पहले गाइस आप लोग इवेंट का बैनर यहां पे देख लो। तो जी हां भाई, यहां पे आप लोग को एक कुछ इस टाइप का बैनर देखने को मिलेगा। अब ये बैनर किस अपडेट के रिगार्डिंग है, चलो मैं आप लोग को अपडेट बता देता हूं। तो गाइस ये अपडेट है गाइस हमारे कॉइन मशीन को लेकर। तो 17 मई की बात, यहां पे कॉइन मशीन के दोनों तरफ आप लोग को एंजेलिक टाइप का दो पंख देखने के लिए मिलेगा और जब भी आप लोग इसके पास जाएंगे तो ऊपर आप लोग एक ऐसा लोगो देखने के लिए मिलेगा। और कॉइन मशीन से कॉइन कलेक्ट करने के बाद यहां पे जो पार्टिकल होता है जैसे आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो एनिमेशन कुछ स्टेप का शो होने वाले पीछे के साइड। तो यहाँ पे भी वाला अपडेट आने वाले 17 मई को, जिसके स्पेशल बैनर मैंने आप लोग को दिखा दिया। और ये जो अपडेट है गाइस यहाँ पे पैराडॉक्स इवेंट स्पेशल आने वाला है। आप लोग को कॉइन मशीन के वाला अपडेट जानकर कैसा लगा कॉमेंट करके जरूर बताना। तो 17 मई को गाइस ये वाला अपडेट आने वाला है। तो यहाँ पे पैराडॉक्स स्पेशल एक अपडेट तो बता दिया, अभी चलो मैं आप लोग को और एक अपडेट दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग हायातो के साथ पैराडॉक्स बंडल के एक फाइटिंग सीन देख पा रहे हो, जिसके बारे में मैंने आज के वीडियो पे बताया था, लेकिन इतना क्लियर वीडियो मैंने आप लोग को नहीं दिखाया था। तो यहाँ पे जो आप लोग के स्टैचू देख पा रहे हो ये पाकिस्तान कंट्री पे लाहौर वाले जगह पे ये इसको डिजाइन किया गया, मतलब एक बड़ा सा सेट की तरह इसको डिजाइन किया गया। बहुत ही कमल का लग रहा है, यूनिक टाइप का डिजाइन भी है। और मुझे लगता है गाइस यहां पे पाकिस्तान कंट्री पे इस पैराडॉक्स इवेंट के रिगार्डिंग कोई ना कोई एक बड़ा इवेंट सेलिब्रेट होने वाला है। अभी देखते क्या सेलिब्रेट होता है, जो अपडेट मिलेगा मैं आप लोग को जरूर बता दूंगा। और गाइस यहां पे 17 मई को मतलब 17 तारीख को पैराडॉक्स इवेंट स्पेशल गेम पे और एक चेंज आने वाला है। ये चेंज होने वाला है गाइस लोडिंग स्क्रीन को लेकर। तो जी हां भाई, 17 तारीख को यहां पे लोडिंग स्क्रीन को पूरा चेंज कर दिया जाएगा पैराडॉक्स थीम पे, जो आप लोग यहां पे देख पा रहे हो। पहले लोडिंग स्क्रीन पे दोनों बंडल के कलर के हिसाब से कलर बैकग्राउंड बनाया गया है एंड बीच में लुक चेंजर देख पा रहे हो। तो बहुत ही कमाल का एक लोडिंग स्क्रीन डिजाइन किया गया है। तो आने वाले 17 तारीख को गाइस इसका चेंज आने वाला है। तो पैराडॉक्स इवेंट स्पेशल मुझे जितने सारे अपडेट मिला था उतना मैंने आप लोग को बता दिया। अभी जो भी बाकी अपडेट मिलेगा उसका अपडेट आप लोग को कल पता चल जाएगा। एंड अभी बढ़ते हुए हमारे अगले अपडेट की तरफ। तो गाइस यहां पे आप लोग का बहुत ज्यादा कमेंट आ रहा है कि जॉम्बी समुराई बंडल आखिर हमारे सर्वर के अंदर कब तक रिटर्न आएगा, क्योंकि बाहर के जितने सारे सर्वर है उनमें ये जॉम्बी समुराई बंडल को बार बार रिटर्न किया गया है। तो देखो गाइस अभी आप लोगों को ये मई महीने को और जून महीने को इसके रेडिंग इवेंट देखने को तो नहीं मिलेगा, लेकिन आने वाले OB45 अपडेट का पॉसिबल की 7 एनिवर्सरी स्पेशल इस बंडल के स्पेशल एक मेगा इवेंट आ सकता है। अभी सच बताऊं तो गाइस मुझे भी इस इवेंट का कोई भी कॉन्फर्म डेट के बारे में नहीं पता चला, लेकिन आने वाले 3 महीने के अंदर इसके रेडिंग कोई ना कोई इवेंट आ सकता है। अब ये पूरा चीज डिपेंड करते हैं फ्री फायर इंडिया का जो एडमिन है उनके ऊपर। सो अभी गाइस आप लोग बस इसके रेडिंग वेट कर सकते हो, जब इसके रेडिंग कोई कॉन्फर्मेशन ऑफिशियल बैनर निकल के आएगा फिर गाइस मैं आप लोगों को कॉन्फर्म डेट बता दूंगा। और बढ़ते हुए हमारे अगले दूसरे अपडेट की तरफ। ये अपडेट होने वाले गाइस आर्टिक ब्लू बंडल के इवेंट को लेकर। तो देखो भाई आने वाले 2 महीने के अंदर मतलब जून महीने के बीच में शायद से इसकी रेडिंग कोई ना कोई एक इवेंट आ सकते हैं, जहाँ पे आर्टिक ब्लू के रेडिंग जितने सारे बंडल वो सब आ सकता है। और नहीं तो गाइस यहाँ पे आर्टिक ब्लू बंडल को सिर्फ यहाँ पे रिटर्न किया जा सकता है। तो आने वाले जून महीने के बीच में इनका इवेंट आ सकता है। और गाइस यहाँ पे और दूसरा चीज हो सकता है कि आने वाले OB45 अपडेट में आर्टिक ब्लू बंडल जैसा दिखने वाला कोई और एक बंडल को डिजाइन किया जाएगा, जो कॉपी पेस्ट तरीके से होने वाला है। जैसे भाई गोल्डन शेड का स्कोर्चिंग रिंग वाला बंडल बनाया गया था, ठीक इसी तरीके से इसका भी बंडल बनाया जाएगा। अभी यहाँ पे कौन सा बंडल कैसा डिजाइन किया जाएगा ये तो भाई वो भी अपडेट आने के टाइम ही पता चल जाएगा, और एडवांस सर्वर जब आएगा उसके बाद भी हम लोग को पता चल जाएगा। और एडवांस सर्वर की बात किया तो चलो मैं आप लोग को एडवांस सर्वर के भी अपडेट दे देता हूँ। तो गाइस इस बार का जो एडवांस सर्वर का इंटरफेस है वो देखने में कुछ इस टाइप का ही होने वाला है। तो जी हाँ भाई, पैराडॉक्स इवेंट का बैनर यहाँ पे रहने वाला है और आप लोग कुछ इस टाइप का ही देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पे आप लोग फेसबुक नहीं तो गूगल के जरिए लॉग इन करके यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, लेकिन सर्वर ओपनिंग डेट क्या रहने वाला है यहाँ पे जून महीने की 10 तारीख को और क्लोज डेट रहने वाला है जून महीने की 22 तारीख को। तो अभी यहाँ पे नेक्स्ट जून महीने को एडवांस सर्वर आने वाला है और इसमें और भी बहुत ज्यादा चेंजेस किया जाएगा और न्यू टाइप के कुछ चेंजेस आने वाला है। तो वो सब चेंजेस के बारे में मैं आप लोग को टाइम आने पे बता दूंगा, मतलब नेक्स्ट महीने को। तो एडवांस सर्वर के लेटेस्ट न्यूज जान के आप लोग को कैसा लगेगा जरूर बताना, और एडवांस सर्वर के रीडिंग जो भी मुझे और भी अपडेट मिलेगा वो तो मुझे सबसे पहले मिलेगा तो मैं आप लोग को जरूर बताऊंगा। सो अगर आप लोग आगे जाके कोई भी एडवांस न्यूज मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर देना। और बढ़ते हुए हमारे अगले दूसरे अपडेट की तरफ। ये अपडेट होने वाला है MP40 रॉयल प्लस मतलब पोकर MP40 के रिगार्डिंग कि आखिर इन सब आइटम को कब रिटर्न किया जाएगा, आप लोग का बहुत ही ज्यादा कमेंट आ रहा है। तो देखो गाइस अभी इस मई महीने को इनकी रिगार्डिंग तो कोई इवेंट नहीं आएगा क्योंकि पैराडॉक्स इवेंट के अंदर ये सब शामिल नहीं किया गया, लेकिन भाई आने वाले जून महीने को पॉसिबल की इनकी रिगार्डिंग इवेंट आ सकता है, क्योंकि जून महीने को ना तो कोई खास इवेंट है और ना तो कोई मेगा इवेंट है। तो इसीलिए भाई आप लोग को आने वाले जून महीने को ज्यादातर रिटर्न इवेंट के ऊपर इवेंट देखने को मिलेगा। तो
अगर आप लोग कोई भी रिटर्न इवेंट का आइटम मिस नहीं करना चाहते तो डायमंड सेव करके रख लो, क्योंकि आने वाले जून महीने को बहुत सारे रिटर्न इवेंट आने वाले हैं, कम से कम तो 3-4 आएगा ही। और इसके बाद भाई हमारे एक भाई ने क्वेश्चन पूछा था कि पिंक डायमंड स्टोर, मतलब भाई को पिंक डायमंड स्टोर के रिगार्डिंग अपडेट जानना है। सो अपडेट जानने से पहले आप लोग एक बात जान लो, यहाँ पे पिंक डायमंड स्टोर लास्ट बार इंडिया बांग्लादेश सिंगापुर सर पे आया था 5th एनिवर्सरी स्पेशल, उसके बाद भाई एक बार भी और नहीं आया था, और आगे जाके भी इस इवेंट के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट नहीं आएगा, क्योंकि फ्री फायर को इस इवेंट से ना तो कोई फायदा हुआ और ना तो कोई बेनिफिट मिला, जिस वजह से भाई इस इवेंट को अभी नहीं लाया जाएगा। लेकिन एक बात आप लोग जान लो, बाहर सर पे ठीक ही आएगा लेकिन हमारे इंडिया बांग्लादेश सिंगापुर सर पे नहीं आएगा। अभी क्यों नहीं आएगा ये रीजन तो समझने की बात आपको जरूरी है। बाकी उम्मीद करता हूँ गाइस आप लोग को पिंक डायमंड स्टोर के रिगार्डिंग जो अपडेट जानना था वो आप लोग को मिल गया है। और अभी बढ़ते हैं हमारे दूसरे अपडेट की तरफ। तो गाइस यहाँ पे ठीक 11 महीने पहले यहाँ पे स्कॉर्पियो, मतलब यहाँ पे प्रोजेक्ट क्रिम्सन इवेंट स्टार्ट हुआ था, तो इसी के बेसिस यहाँ पे प्रोजेक्ट क्रिम्सन 2.0 भी आने वाला है। अभी ये जो प्रोजेक्ट क्रिम्सन थीम है ये भाई आप लोग को OB46 अपडेट में देखने के लिए मिल सकते हैं, नहीं तो उसके बाद मतलब एक साल बाद यहाँ पे प्रोजेक्ट क्रिम्सन 2.0 देखने को मिलेगा। अभी गाइस पॉसिबल है कि यहाँ पे प्रोजेक्ट क्रिम्सन 2.0 के स्पेशल यहाँ पे कीबो गन को डिजाइन किया गया है, तो मुझे लगता है कि वही गन हो सकता है। अभी चलो मैं आप लोग को उस कीबो गन का पूरा डिटेल्स में रिव्यू कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो आप लोग कीबो गन देख पा रहे हो इसका नाम है स्कॉर्पियो बेनी, मतलब स्कॉर्पियो 2.0 थीम पे इसको डिजाइन किया गया है। एंड इसका लेवल 2 का लुक देख पा रहे हो बहुत यूनिक है, लेवल 3 पे पूरा एनिमेशन आ जाएगा। और जी हाँ गाइस आप लोग सही देख रहे हो, ये ACHT का स्किन है। एंड लेवल 4 पे इसका फायरिंग मतलब हीट इफेक्ट और किलिंग इफेक्ट देख पा रहे हो, लेवल 5 पे कुछ इस टाइप का आएगा, बहुत ही यूनिक टाइप का है। और गाइस लेवल 6 पे आप लोग कुछ इस टाइप का लुक देखने के लिए मिलेगा, बहुत ही बड़ा एंड स्कॉर्पियो टाइप का बनाया गया है। एंड लेवल 7 पे यहाँ पे एनिमेशन आएगा, बहुत ही यूनिक टाइप का एनिमेशन है। सो गाइस यहाँ पे स्कॉर्पियो बेनी थीम पे एक नया सा प्रोजेक्ट आएगा, उसके थीम पे भाई ये वाला ACHT को डिजाइन किया गया, जिसका एनिमेशन भी बहुत ही ओपी है। एंड मेन बात है इसका इमोट भी रेडी हो गया, जो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो। तो इतना बता सकते हैं गाइस इस गन के रिगार्डिंग जितने सारे चीजें है वो सब कुछ रेडी हो गया, बस इसका एट्रीब्यूट अभी तक रेडी नहीं किया गया है। तो आप लोग को भाई ये वाला ACHT स्कॉर्पियो बेनी कैसा लगेगा कॉमेंट करके जरूर बताना। और कैसे प्रोजेक्ट क्रिम्सन 2.0 मतलब स्कॉर्पियो बेनी वाला प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हो गया तो भाई एडवांस सर्वर आने के बाद पता चल जाएगा, क्योंकि भाई हर बार एडवांस सर्वर पता चलता है कि आगे का प्रोजेक्ट क्या होता है। एंड इस गन के रिगार्डिंग और भी कुछ यहाँ पे कलेक्शन आइटम को डिजाइन किया गया, चलो मैं आप लोग को एक एक करके वो सब कलेक्शन आइटम का भी रिव्यू दिखा देता हूँ। और गाइस यहाँ पे आप लोग एक बैकपैक का स्किन देख पा रहे हो, जिसका नाम है वेनम रश, जो हमारा स्कॉर्पियो बेनी थीम पे इसको डिजाइन किया गया है। एंड ये देखने में बहुत ही यूनिक है, डिजाइन भी बहुत ही अच्छा है। लेवल 2 पे इसका लुक कुछ इस टाइप का आएगा लेकिन इसमें एनिमेशन नहीं रहेगा, और लेवल 1 पे तो भाई कुछ अलग टाइप का है। तो ये वाला बैकपैक डिजाइन किया गया है इस वाले ACHT के थीम पे, आप लोगों को कैसा लग रहा है जरूर बताना। और इसी थीम पे बेसिस पे यहाँ पे एक लूट बॉक्स भी देख पा रहा हूँ, जिसका नाम वेनम हंट। भाई बहुत ही कमाल के एक लूट बॉक्स है, एनिमेशन देख पा रहा हूँ कितना तगड़ा और ओपी टाइप का है। स्कॉर्पियो बेनी थीम पे इसको डिजाइन किया गया, लगभग भाई हमारा इवो M10 की तरह ही कॉन्सेप्ट लग रहा है, आप लोग देख पा रहे हो बहुत यूनिक टाइप का है। एंड भाई ये आप लोग को मिलेगा इवो गन के साथ। और यहाँ पे आप लोग एक पारंग का स्किन देख पा रहे हो, जिसका वेनम स्लाइसर, जो देखने में भाई स्कॉर्पियो की तरह है। एंड यहाँ पे एनिमेशन दिया गया इलेक्ट्रिक टाइप का, तो इस थीम पे बेसिस भाई ये वाला पारंग का स्किन डिजाइन किया गया है। और गाइस जब स्कॉर्पियो बेनी वाला इवेंट स्टार्ट होगा उस टाइम को भाई आप लोग की वाला पारंग का स्किन फ्री में मिलेगा। एंड भाई तैयार है इसको क्लेम करने के लिए। साथ में यहाँ पे ग्लोबल स्किन देख पा रहे हो, जो इवो गन के रिलेटेड है। एंड इस वाले ग्लोबल का स्किन का भी नाम आप लोग देख पा रहे हो वेनम रश, भाई बहुत ही यूनिक टाइप का ग्लोबल है, बट इस पे कोई एनिमेशन नहीं रहेगा, नॉर्मल सही स्किन लग रहा है। तो कुल मिला के गाइस यहाँ पे स्कॉर्पियो बेनी थीम पे कुछ इतने आइटम वगैरह डिजाइन किया गया है। एंड आप लोग को भाई इवो थीम पे ये सब आइटम का रिव्यू कैसा लगा कॉमेंट करके जरूर बताना, मुझे तो भाई बहुत ही ओपी लगा ये सब आइटम। एंड गाइस बढ़ते हमारे आज के वीडियो की लास्ट अपडेट की तरफ। तो यहाँ पे भाई ने क्वेश्चन पूछा है कि फ्री फायर का गोल्ड रॉयल में कौन सा बंडल आएगा, प्लीज पिक कमेंट। तो गाइस यहाँ पे जो नेक्स्ट गोल्ड रॉयल आने वाले इंडिया बांग्लादेश सिंगापुर सर्वर के अंदर उसका रिव्यू भाई आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, जिसका नाम है स्लेक बैंडेड बंडल। तो जी हाँ भाई इसी बंडल का गोल्ड रॉयल आने वाला है, और इस बंडल का जो फीमेल वर्जन है उसका गोल्ड रॉयल अभी के टाइम चल रहा है, जो भाई आप लोगों ने ऑलरेडी स्पिन करके निकाला होगा। तो आने वाले नेक्स्ट गोल्ड रॉयल के अंदर भाई ये वाला बंडल आप लोग को मिलने वाला है, और मेल बंडल के हिसाब से ये वाला बंडल भी बहुत ही अच्छा खासा है। एंड आप लोग यहाँ पे गोल्ड से स्पिन करके इसको निकाल पाओगे, साथ में अगर आपके पास वाउचर है तो वाउचर से स्पिन करके भी इसको निकाल पाओगे। सो यही वाला बंडल आने वाला है हमारे नेक्स्ट गोल्ड रॉयल के अंदर, जो आएगा इंडिया बांग्लादेश सिंगापुर सर्वर के लिए। एंड गाइस कुल मिला के यही था हमारा आज का अपडेट, उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। सो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर देना, और फ्री फायर के रिलेटेड ऐसे ही अपडेट अगर सबसे पहले पाना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर लो, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। और गाइस फ्री फायर के कोई भी अपडेट या इवेंट की रेटिंग कुछ भी जानना हो तो आप लोग कमेंट पे पूछ सकते हो, मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो पे उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। एंड गाइस यही था हमारा आज का अपडेट, सो वीडियो को लंबा ना करके पे खत्म करते हैं। तो चलिए बाय बाय गाइस, मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट अपडेट के साथ।